जगन्नाथ जय पंचसखा आम समस्त एक स्वर से कहवा जय ब्रह्मदंड की जय ब्रह्मदंड की जय पंचसखा की जय पंचसखा की। वर्तमान आम सहित खोर्धा जिलूर जड़े भक्त अच्छा से दीर्घ दिन धरी आश्रम सहित संश्लिष्ट किभली भाव आश्रम को आसिले शरीर में कौन कौन पीड़ा थला एवं ब्रह्मदंड संस्पर्शन आसवा पर कि प्रकार तांकर रोग दुख पीड़ा कष्ट निवारण है से संपर्क आम से माँ आम बुझा किभली भाव तांकर रोग पीड़ा दूर है तुम तांकर अनुभूति से बर्तमान वर्णना करेंगे घर गोड़ भांगी पारि बसि पा नथिले आर गोटे दुथर आसा पर मोर आंठू मत बहुत भल लगला तर मुझे सात थर आठ थर चक्र पूजा है आठ थर जनकर्ष भल अच्छे जो ब्रह्मदंड स्पर्श आम अनुभूति ने जो रोगी बसी पार नथिले किंतु ब्रह्मदंड स्पर्श होगा क्षण स्पर्श मात्रे पीड़ा कष्ट लाघव हो जाए बसी पारे आर कहार तात्पर्य कौन ना गोटे ब्रह्मदंड शक्ति अतुलनीय जहाँ को आम वर्णना करना प्रत्येक जुगरे गोटे गोटे शक्ति आसे ये अनंत जुगरे भक्त मान पीड़ा निवारण मृत्यु संजीवनी तुल्य ये ब्रह्मदंड शक्ति कार्यकारी होगा कार्यकारी हो संपर्क एक अनुभूतिपूर्ण कथा मुझे कहीं मानवा लोक कार्यकारी हम एवं ये ब्रह्मदंड मिलनी सर्वसाधारण मान ये ब्रह्मदंड आमको मिली केवल भक्त मानी भक्त मानक रोग दुख कष्ट पीड़ा निवारण ये ब्रह्मदंड आमको प्राप्त हो जगन्नाथ भक्त से मैंने ही आसिक पहुँची पारे और ब्रह्मदंड प्रभाव अनुभूति नहीं पारे आम सहित बर्तमान केन्द्रापड़ा गर्दपुर गर्दपुर तो ना कार्तिकपति कार्तिकपति अच्छा जे मध्य जड़े पाला बायक एवं ब्राह्मण भगवत विश्वासी एवं अष्टप्रहरी चतुर्थ प्रहरी रे सी पूजक काम निजक नियोजित करती अनुभूति बुझा देखते गाल किभली कैंसर रे पीड़ित होते किभली ब्रह्मदंड प्रभाव में पीड़ा कष्ट कैंसर भली मारात्मक दुरारोग्य व्याधि दूरे गला तार अनुभूति आम संग्रह करवा जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय जगन्नाथ जय कार्तिकपति आम घर हो केन्द्रापड़ा बालिया मुझे आसती कैंसर मोर होता अपरेसन होती संपूर्ण बदला कथा तक खाई पार नी भल संपूर्ण भल हो आगे मात्र अच्छी एवं खाई गाई पार कथा कर सब जोदिन प्रथम मस्जिद पाल कर बाबा पाल जाओ रात सारा गाइली मोर कि असुविधा है ना एबी भल अच्छी कहले बधिरा होता गाई पार्टी खोलू ना प्रथम प्रथम आखि छल छल ही उठू मुझे देखी से प्रथम आसते थरुले पार्टी खोलू ना कि दस बार थर ब्रह्मदंड स्पर्श होगा पार्टी खोली बड़ सुखर कथा आज से गोटे अवशेष था कौन गाइवा बजा लोक किभली भाव से गीत बोली पारे आज मैं कहते जे कि मुँ राति सारा गीत गाईपारी बोली अनुभूति सी प्रकाश कले तेना जीवर गति अनुभव उद्धवे कहती माधव जीवर गति हूँ अनुभव जदि अनुभव ना तो जीव अनुभव बिना कौन से ज्ञान सफल हुए ना तेना अनुभूतिपूर्ण बारंबार ब्रह्मदंड स्पर्श द्वारा रोग कष्ट दुख पीड़ा हरण हो जाए पीड़ा निवारण हो जाए ये हूँ गोटे ब्रह्म शक्तिर कथा ब्रह्म तत्वर कथा तेणु आम निश्चित भाव ब्रह्म शक्ति को आम आहरण करवा जो कथा आगु मुझी जे कि जितेबाला कलीजुगर अंतिम पर्याय आसब समस्त गृह ब्रह्म गादी स्थापन कले अत्यंत प्रभावशाली हम घोर कलीजुगर वर्तमान ये 23 मसीहा पहुँची ये 23 मसीह आम देखिले
जो महापुरुष कहते तैयारी अच्युत कही त्रिविंश थय रही ना आम देखिले थय ट्रेन दुर्घटना है गत काली रात सारा विश्व में किसी घटना भाई घटू किंतु घटीगला जी जगतनाथ जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म ताको पहुंची समय सीए ढली पड़े ब्रह्म थय रही जहाँ को महापुरुष लिखिदे ये घोर कलु रक्षा करने आम जो ब्रह्म गादी स्थापन कथा आज मुझे उपस्थापन करी समस्त भक्त मानक विनीत नवेदन निज गृह ब्रह्म स्थापन करूँ ये कथा को मुझे प्राय छः सात मास पूर्व सन्धान चैनल में कही विशेष आलोचना कर नी किसी भक्त से भिड देखिकी एवं समस्ते से ब्रह्म आश्रय ग्रहण करूँ एवं आउ जो भक्त अनुभूति नवा जे कि बालेश्वर जिलार चंदेनेश्वर जय जगन्नाथ जय पंचसखा मोर कहार उद्देश्य मो स्त्री की बहुत प्रकार रोग होता है रोग हमें कटक बालेश्वर गोटाम ओडिशा देखला पर से भल रही तेणु आम प्रथम झीटी आश्रम सुर बाबा पाखु दीक्षित होती दीक्षित होगा से सुस्थ था जो गुणमाल सृष्टि होगापर पुणी से अवस्था फेरी आसला तेणु मो स्त्री की आम मालिका विषय जी करूँ मालिका भितर आम पढ़ापढ़ी करूँ से कर सी टीटा आम मोबाइलटा देखते मोबाइल देखा गले आज मुझे आम टे आम से पाणधंदा कर आसला मुझे गोटे कौन देख ली आज बाबा कौन शारदा बाबा प्रोग्राम देख ली मुझे कह चालू कर मोबाइल चालू कलापर से मत कह मुझे ठीक अच्छे बाबा को फोन लगा बाबा फोन गोटे जाए से फोन नंबर बाबा सहित मुझे डायरेक्ट कथी बा कह तुम शुक्रवार दिन आस जाऊ दीटा पाई पर पुणिया बेले आसे आम धंदा कम सारी आसला बाबा पाखे फोन कल बाबा कह शुक्रवार आस तुम बालिकुदार पहुँच आम बालिकुदार पहुँचला ये आस से ही दिन ये आश्रम ये होता आमर पाला गाँव होता से पाला गाँव में आम जोगदे कर आसी भजन कीर्तन टे गई आसला पुणी कौन है दंड से दीथर मारला मोर पुथी देखला चक्र आम चक्रपूजा बाला चक्रपूजा मो स्त्री आसे आसला दंड बाला बर्तमान सुस्थ अच्छी तार पुणी कौन बाहर ना आमर अर्स है बाबा को नहीं रखम से समस्त कहते अपरेसन करते कैंसर हो कहे ठीक से बाबा गोटे मेडिसीन दे खापर एवं सुस्थ अच्छी तेणु मोर कह कथ हूँ आसला बाबा मत भी छाड़ूना कृपा मुझे रही चेष्टा कर तेणु एति मोर कथा समस्त अनुरोध समस्ते आसी सुस्थ हूँ समस्ते पंचसखार भक्त लीला प्रकाश कर तेणु आमर कहार तात्पर्य ये गोटे आध्यात्मिक चिंता आध्यात्मिक ज्ञान हूँ अनुभव विषय जहाँ को आमर गारई आश्रम कथा पढ़ीला गारई आश्रम बाबा बुद्धनाथ दास लिखिले कहले छपा बही भागवत गीता रामायण गुरु नकरी पढ़िले सर्व अकारण कहे छपा बही भागवत गीता रामायण आपको गोटे प्रेस छपे छपा बही भागवत गीता रामायण गुरु नकरी पढ़िले सर्व अकारण तो भगवान श्रीकृष्ण उद्धव कह हे उद्धव तुम्हें जिते वेद वेदांत ज्ञान ही था जपर्यंत तुम अनुभव आसीना हृदय विद्या रही जाए मस्तक कितु हृदय रही जाए अनुभूति रही जाए हृदय जपर्यंत तुम अनुभूति सिद्ध नई तुम्हें से पर्यंत मत प्राप्त करना भगवान शिव माँ पार्वती की कही उमा कहू मे अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत सब सपना हे उमा हे पार्वती मु निजर अनुभव तत्ते कहूँ तेरे अनुभूति जपर्यंत आम न आसी आध्यात्मिक ज्ञान में आम उन्नति करम रामदास हवा आवश्यक ना आमर पंचसखा हवा आवश्यक ना आम पूर्व जन्मर कि भक्त न हो पार किंतु आमे जदि पतित दिए ही ताक हाथ टेकी दबा निश्चिंत सी पतित पावन बाना उड़ाऊ आमको से निश्चिंत भाव में उद्धार करेंगे महाबाहू उद्धार करेंगे अरे करुणा कटाक्ष प्रकाशे भक्त जन दुख नाशे आम पूर्व जन्मर भक्त कि ना किए कहीपर ना मालिकार आम लेखा थे दुख ना नथले आनंद थे सुख ना ना दुख ना ये जन्मे आम जब प्रबल भक्त नहीं पार पचास जन्म प्रबल भक्त कौन हम अरे प्रचार ये जन्मे ये जीवन को सुधार जगतनाथ जगन्नाथ पाखे आश्रय करवा यह ही आज आमर आलोचना विषय सर्वे बोल आनंद एक बार।